गरीब आदमी भी जो सामान खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? किसान जो खाद बीज खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? बाल बच्चा के लिए कॉपी कलम खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? गरीब आदमी जो मोबाइल रिचार्ज कराता है तो वो सरकार को टैक्स देता है कि नहीं देता है? खाली अमीर आदमी टैक्स देता है? तो गरीब आदमी भी जब टैक्स देता है तो सरकार गरीब की भी है ना, और सरकार की जिम्मेवारी गरीब भी होना चाहिए ना। ये सरकारी विद्यालय है, अपना अपना बिल पढ़ा होने को पूछो, सरकारी स्कूल में पढ़ा होना की अपन रह गए, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ा होना बंद हो जाए जेकर बच्चा नहीं पढ़ते, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ते, हमारा खूब पैसा हो जाए तो बच्चा पढ़ा लंदन भेज देते, क्या लोग लंदन पढ़ा भेज देते? जब देश की बहुसंख्यक आबादी गरीब है तो जो गरीब के लिए जरूरी है उसी को क्यों बंद कर दिया जाता है? इस देश में बहुत सारे ऐसे स्वाभिमानी पत्रकार हैं जो सरकारों से सवाल पूछते आए हैं और इस सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उनसे भी सवाल पूछा गया है, कौन सी गुनाह हमने किए? इस बात को समझिए कि आपने जो संस्कार दिया है, आपने जो हिम्मत दिया है, उसी हिम्मत का नतीजा है कि अंदर की तरफ पांव जमा करके उंगली उठा करके इनसे सवाल पूछ रहे हैं और इनको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये कलंक जो ये हमारे ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं, दरअसल ये कलंक बेगूसराय जिला के लोगों के ऊपर लगाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए चुनाव 2019 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि बेगूसराय जिला से कौन एमपी होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। बेगूसराय जिले के नागरिकों के लिए बेगूसराय में 2019 का चुनाव यहां के लोगों के प्रतिष्ठा का सवाल है, उनके आत्मसम्मान का सवाल है, उनके जीने मरने का सवाल है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि कन्हैया भी उसी मिट्टी से है जिस मिट्टी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को पैदा किया, महान इतिहासकार रामशरण शर्मा को पैदा किया, महान नेता सूरज नारायण सिंह, रामचेतर सिंह और रामेश्वर काका को पैदा किया। ये भूमि संघर्षों की भूमि रही है, किसान आंदोलन की भूमि रही है, साहित्यिक आंदोलन की भूमि रही है, सांस्कृतिक आंदोलन की भूमि रही है। उस मिट्टी से हम आते हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि जब हम आपसे आपके बीच नेता बनकर के नहीं आए हैं, बेटा बनकर के आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। ये बात आप जान लीजिए, वोट आपको जिसको देना है आप दीजिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र ने, आपके देश के संविधान ने आपको गुप्त मतदान का अधिकार दिया है। कन्वीन के करा वोट देखिए, अगर नए मन होते तो दुल्हा जाना सकती है, अब बाबू जी के करा देखिए बेटा जाना सकती है, अब भाई केकरा दल में बहिन नहीं जान सके, गुप्त मतदान छिके, जेना गुप्त दान नहीं होइ छै, तमाम पंडित जी लोग कहे छै कते 101 की 501 गुप्त दान होइ छै कि नहीं होइ छै, ओना ही गुप्त मतदान छै। आपको वोट जिसको देना है दीजिए, हम आपके ऊपर ये ठोकने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर कहने के लिए आए हैं कि यह लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई एक विचारधारा या एक झंडे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आज के डेट में हक और लूट के बीच है, यह लड़ाई सच और झूठ के बीच में है, यह लड़ाई कट्टरवादी सोच और युवा जोश के बीच में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बेगूसराय की हमारी जो माँ बहनें हैं, बेगूसराय के जो हमारे बुजुर्ग हैं, बेगूसराय के जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनका साथ और आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और इस लड़ाई को हम हाल में जीतेंगे। और हमारी लड़ाई अपना व्यक्तिगत कैरियर बनाने की लड़ाई नहीं है, थोड़ा सा कृपा बहुत कुछ है, बोले अलावे है ई बात तो विरोधियों मना करे छे, तो नहीं कुछ होता है तो हम कोनो टीवी चैनल में नौकरी क्या लें, भोर सांझ अपन छे सर भाषण तक टीवी में बैठ कर, आर कुछ नहीं होता है तो पीएचडी के लिए है, केनाहू केनाहू रगड़ कर ट्यूशन पढ़ाई कर पढ़ कर पीएचडी कर लेंगे, तो कोनो अखबार में आर्टिकल लिख ले ओकरो कुछ नहीं हो तो बेगूसराय जिला को कोनो कॉलेज जाके पढ़ाई पाए,
ओहो नहीं होते तो अपना घरे पर बच्चा ट्यूशन पढ़ाई कर ईमानदारी से अपन पेट पाल सके छे। ई खातिर राजनीति में हम कैरियर बनाबे ले नहीं अयली बात कह दे छे। आ जब कैरियर बनाबे ले नहीं अयली हन तो हमरा हार जीत भी डर नहीं छे। हारे के डर ओकरा नहीं छे जे राजनीति कैरियर के तौर पर छे। ई लड़ाई हम पहले ही जीत गए छे। तोरा नहीं लगे छे बात? तो नहीं महसूस करे छे ई लड़ाई परिणाम दे पहले ही जीत हो गई? पूछो के ना नहीं रुसल बोसल तो छोड़ो वो होबे करे छे ब्याह शादी में वो फुफ्फा रहे के सिंदे रुसिए जाए छे। उम्मीदवार जो है वो बेगूसराय आने से ही डर रहा है। ये डर हमसे नहीं है, यह जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप लोगों की है। बेगूसराय की जनता को वो परख नहीं मिली कि बेगूसराय के लोग जुमलेबाजी और झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार बेगूसराय के लोगों ने मन में ठान लिया है कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होने वाला है। और हमारे लिए बेहतर ये है कि इस बात पर हम सोचें कि बेगूसराय एक कृषि प्रधान जिला है। आज भी ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जो आबादी है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है। अगर खेती किसानी को विकसित करके और खेती किसानी में जो हम फसल पैदा करते हैं उन फसलों का भंडारण और संरक्षण करके कुटीर और मध्यम उद्योगों का विकास किया जाए तो हमारे बाल बच्चों को दिल्ली पंजाब कोटा हरियाणा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम गेहूं पैदा करते हैं तो उस गेहूं के आधार पर अगर हम बेकरी का बिस्कुट बनाने वाला एक चेन पूरे बेगूसराय में खोले तो वो बिस्कुट काठमांडू तक बिक सकता है, मणिपुर में जाकर के उसकी बिक्री हो सकती है। और हम आज के डेट में जबकि हमारे कारखानों को बंद कर दिया गया है बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिलों में से एक जिला है। टैक्स जब हम सबसे ज्यादा देते हैं तो बेगूसराय जिला में एम्स क्यों नहीं होना चाहिए? बेगूसराय जिला में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए? जो चीज हमको मिला था दुष्यंत एक लाइन लिखते हैं कि कहां तो तैथा चिरागा हरे घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो था उसको भी छीन करके ले जा रहे हैं, नया देने की तो बात छोड़ दीजिए। बरौनी स्टेशन से वैशाली ट्रेन खुलती है, वैशाली जब यहां से खुलती है तो गरीब से गरीब आदमी जब जनरल का टिकट कटा करके जाएगा प्लेटफॉर्म पर तो वैशाली में उसको सीट मिल जाएगी। अब सहरसा से यदि वैशाली बन करके आएगी तो बेगूसराय के लोगों को उसमें सीट कैसे मिलेगा? वो सहरसे भर जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सहरसा को ट्रेन नहीं दीजिए, आप दीजिए सहरसा को भी ट्रेन, लेकिन जो हमारे पास है उसको छीन करके हिंदू ले जा रहे हैं। समस्या ये है कि इन सवालों पर गरजने के लिए, इन सवालों पर बोलने के लिए आज हमारे बीच कोई मौजूद नहीं है। इसीलिए बेगूसराय के लोगों को सोचना होगा कि यह जो चुनाव आया है वो उनके मान सम्मान का सवाल है ही, साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी सवाल है। और जितने तरीके का जुमलेबाजी आपके साथ किया गया है वो सारी सच्चाई आज हमारे सामने आ चुकी है। उज्ज्वला योजना बोले कि फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, हकीकत क्या है कि जितना बार गैस भरवाने के लिए जाइएगा उतना बार आपसे चूल्हा और पाइप का दाम वसूला जाएगा। नतीजा यह हुआ है कि लोग कनेक्शन ले लिए उसको भरवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो जनधन योजना है, जनधन योजना में ये लोग उम्मीद के साथ खाता खुलवाए कि काला धन वापस लाया जाएगा और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। रुपया पहुंचाने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे 500-500 रुपया वापस ले लिया गया। यह जो योजनाओं की विफलता है या विफलता उस सपने की विफलता है जिसमें हमको कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे हमारे, इसीलिए बेगूसराय के लोगों को सोचना होगा कि उनका अच्छा दिन कैसे आएगा। उनका अच्छा दिन सिर्फ इस बात से नहीं आ जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनका अच्छा दिन इस बात से आएगा कि उनका MP कौन बनेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपके स्कूल में टीचर नहीं है, आपके स्कूल में समय पर खिचड़ी नहीं बढ़ता है, आपके पुस्तकालय में किताब नहीं है, तो ये बात जो है प्रधानमंत्री उठाएंगे कि आपके MP उठाएंगे?
आप हमको बताइए कि सहरसा का जो एमपी है वो अगर वैशाली को खींच करके ले जा सकता है, तो अगर हमारा एमपी मजबूत होता तो वैशाली को रोक करके बरौनी रख सकता था कि नहीं रख सकता था? ये सवाल है, इस सवाल को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हम जब यहाँ आए हैं तो एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, जब राजनीति मेरे लिए व्यक्तिगत कैरियर का सवाल नहीं है तो हम कहीं जाने के लिए नहीं आए हैं। एमपी बनकर दिल्ली रहक मन रहते हैं तो दिल्ली हम रहबे करें, दिल्ली में रह करेंगे, दिल्ली से बेगूसराय गए, बेगूसराय फिर दिल्ली जाए नहीं गए। दिल्ली अगर तोहर आशीर्वाद से जेब तो दिल्ली में रह नहीं जेब, दिल्ली में जे आवाज सड़क पर उठ रहे हैं वो आवाज संसद में उठा गए अगर तोहर आशीर्वाद तो साथ में। ये मेरे लिए कैरियर का सवाल नहीं है, इसीलिए जब हम बोरिया बिस्तर समझ करके बेगूसराय आए हैं तो इस संकल्प के साथ आए हैं, यही जिएंगे यही मरेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि आपका साथ हमारे पास है फिर भी वो हमारा रास्ता रोक देंगे तो वो भ्रम में है। और दिनकर ने एक लाइन लिखा है, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इसी सवाल को लेकर के लड़ेंगे और आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते हैं। जैसे नदी का रास्ता पहाड़ नहीं रोक सकता है, उसी तरीके से आम आवाम के गठजोड़ को नेताओं का गठजोड़ नहीं रोक सकता है। जैसे पहाड़ को काट करके नदी अपना रास्ता बनाती है, उसी तरीके से आपके सहयोग से बेगूसराय के लोग देश की राजनीति में अपना रास्ता बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।